हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय कंपनी भारत क्यों आई? तो समुद्री मार्गों की खोज करने तथा व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनियां भारत आई। और समुद्री मार्गों की खोज के सिलसिले में आज सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के लोग आगे आए। और स्पेन सबसे पहले 1492 ईस्वी में कोलंबस आया और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया। और जो एक कोलंबस जो आया 1492 ईस्वी में स्पेन का निवासी, वो अमेरिका की खोज कर बैठा। वहीं पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था वो भारत की खोज कर बैठा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्यापार है तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? डच, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली होगा। व्यापार है तो समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा, कोलंबस, बार्थोलोमियो डियाज या कैप्टन कुक? तो दोस्तों, अभी हमने बताया था वास्को डी गामा जो 1492 सॉरी कोलंबस जो 1492 ईस्वी में भारत आया, तो भारत ना आके अमेरिका की आ गया, अमेरिका चला गया और उस द्वीप का अमेरिका नाम दिया। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया और इसने भारत की खोज कर बैठा। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा होगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां जमोदी ने उसका भव्य स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1500 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में या 1600 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1498 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आया 1498 ईस्वी में, उसी के साथ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम एस्टादो द इंडिया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर या वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निनो डी किन्हा या अल्फांसो डी सूजा? ये चारों के चारों दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर हैं, लेकिन पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर की बात करें तो वह है फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा। फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का गवर्नर बना, मतलब भारत का गवर्नर बना। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत, मसूलीपट्टनम, कोचीन या त्रावणकोर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कोचीन होगा। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? दोस्तों, यह अभी भी आई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर एग्जामों में देखा जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कैप्टन हॉकिंस या फ्रांसिस कैरो ने? तो इसका सही जवाब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा, जो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किस यूरोपियों को दिया जाता है?
पुर्तगाली को, डच को, अंग्रेज को या स्पेनिश को? तो इसका सही जवाब दोस्तों पुर्तगाली होगा। पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ किया था। और हम बता दें कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गोवा में, और कब की गई थी, तो 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, निन्नो डी कुनहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या अल्फांसो डी सोजा। तो इसका सही जवाब अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा, जबकि वही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर था, जो 1505 ईस्वी में आया। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा, जो 1509 ईस्वी में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का क्रम कौन कौन आया? पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, डच आए या फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, कौन आए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी होगा। इसका छोटा सा एक ट्रिक है, PDADEF, P से पुर्तगाली, D से डच, A से ब्रिटिश या अंग्रेज, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। यह एक याद करने का ट्रिक है, P पढ़ा दे फादर, PDADEF। और वहीं 1498 में बात करें तो 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आए और 1961 में सबसे अंत में गया। मतलब भारत आने वाले यूरोपियों में पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे, लेकिन जाने वालों में सबसे अंत में यही पुर्तगाली गए, और वहीं फ्रांसीसी सबसे बाद में आए लेकिन सबसे पहले भारत छोड़ के चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 में, 1600 में, 1602 में या 1616 में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1602 ईस्वी में होगा। यहाँ सारे कंपनियों की स्थापना दिया गया है। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ, डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ, डेनमार्क कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ, वहीं फ्रांस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एक चार्ट है, इस चार्ट के जरिए आप कंपनी की स्थापना और कंपनी का याद कर लीजिएगा। और इससे जो पहला क्वेश्चन था वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम था, लेकिन यह जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश या फ्रांसीसी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डच होगा। डच जो थे, जिनकी स्थापना, कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ, यह भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता देने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी किसने आरंभ की? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डच होगा। डच कंपनी ने भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी।
और डच कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1602 ईस्वी में हुआ, वहीं पुर्तगाली की तो 1498 ईस्वी में हुआ, फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 ईस्वी में हुआ, वहीं ब्रिटिश की हम बात करें तो 1600 ईस्वी में भारत में इनकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? पुर्तगाली डच, पुर्तगाली अंग्रेज, डच अंग्रेज या अंग्रेज फ्रांसीसी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डच और अंग्रेज के बीच हुआ। यह जो बेदरा के युद्ध है वो डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और डचों की गतिविधियां भारत से समाप्त कर दी है। यानी कि भारत में डच का जो प्रभुत्व था वह समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था कि जहांगीर, फर्रुख सियर या औरंगजेब था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अकबर था। जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी तो भारत का सम्राट उस समय अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब पहले बता दिए थे कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में या त्रावणकोर में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मसूलीपट्टनम में होगा। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई। वहीं दूसरी फैक्ट्री की बात करें तो वह सूरत में स्थापित हुई। और क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो वह सूरत होगा। वहीं भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री की बात करें तो वह मसूलीपट्टनम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत में, मसूलीपट्टनम में, कोचीन में या त्रावणकोर में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में होगा। मसूलीपट्टनम में भी डचों की पहली फैक्ट्री और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इंग्लिश की उपाधि किस ब्रिटिश नागरिक को प्रदान की गई? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, गिराल्ड अंगियार या जॉब चॉर्नॉक? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस होगा। कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ही था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोलकाता शहर की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस डे, गिराल्ड अंगियार, जॉब चर्नोक या इनमें से कोई नहीं? तो कलकत्ता शहर की स्थापना, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जॉब चर्नोक होगा। जॉब चर्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई शहर के संस्थापक कौन था? जॉब चर्नॉक, फ्रांसिस डी, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर या गिराल्ड अंगियार? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गिराल्ड अंगियार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब 1664 ईस्वी में होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में, सूरत में, मसूली पट्टनम में या कलकत्ता में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सूरत में होगा। सूरत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1668 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी में, 1668 होगा ये, 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहली फैक्ट्री और मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री की बात करें तो वह सूरत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम का किला कहाँ बनवाया गया? कोलकाता में, मद्रास में, बम्बई में या सूरत में? तो इसका सही जवाब कोलकाता में होगा। कोलकाता में जॉब चरनॉक ने फोर्ट विलियम कॉलेज की किला की स्थापना की। वहीं मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी, गोविंदपुर, माही या क्राइकल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी होगा। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। वहीं हम बात करें कि पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? पुर्तगाली को, फ्रांसीसी को, डच को या स्वीडिश को? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी होगा। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का युद्ध कौन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ? अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज डच, फ्रांसीसी डेनिस या डच स्वीडिश? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज और फ्रांसीसी होगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 के क्या कारण थे? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, या फिर कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, या 7 वर्षीय युद्ध था, या औपनिवेशिक कारण था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। या प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, या सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ जिसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध के कारण हुआ, और तीसरा जो है वह 7 वर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण के कारण तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और वहीं हम बात करें कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था वह किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वह एक्सलास अपील की संधि 1748 ईस्वी के माध्यम से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746-48 में, या 1751-55 में, 1750-63 में? 58 हो गए, 1758-63 में, या 1760 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1751-1755 ईस्वी होगा। वहीं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में हुआ, और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758-63 ईस्वी में हुआ। तो यह जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वह पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई,
इसके माध्यम से वह समाप्त हुआ। यह युद्ध जो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक के उत्तराधिकार के लेकर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूरोप वासियों के लिए शोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या हरियाणा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिहार होगा। बिहार एक ऐसा जगह था जहाँ से शोरा और अफीम की खेती की जाती थी, और शोरा और अफीम यूरोपवासी बिहार से ही ले जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस की संधि कब हुआ? 1761 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, या 1705 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ, जो तीसरे कर्नाटक युद्ध का इससे समाप्त हुआ। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1758 से 63 ईस्वी में, वह पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ। इसमें फ्रांस की पराजय हुई, फ्रांस हार गए और अंग्रेज जीत गए। तो दोस्तों, ये हमारा यूरोपीय शक्ति का भारत आगमन का जो टॉपिक था वह समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।